रजरप्पा सीसीएल स्थित ऑफिसर्स क्लब के प्रांगण में पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें चितरपुर, मायल, भुजंगडी सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रॉबिन टोप्पो, प्रेसिडेंट अशोक कुमार यादव, कोड वेनर आरओ आशुतोष तिवारी, कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव मौजूद रहे, जिन्हें प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। मालूम हो कि रजरप्पा सीसीएल में उत्पादन और कंज्यूम को अति सुचारू करने के उद्देश्य से 510 करोड़ की लागत से नए वासरी का निर्माण किया जाना है, जहां प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन कोयले को कंज्यूम के लायक बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद ग्रामीणों ने अतिथियों के सामने अपनी समस्या को रखा। इस दौरान टोप्पो ने कहा कि विस्थापितों की बातों को अनसुनी करते हुए मॉनिटरिंग के साथ इन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही कहा कि प्रबंधकों के रैयत प्रभावितों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। वहीं महाप्रबंधक पीएन यादव ने कहा कि नया वासरी रजरप्पा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा और हम कोयला के मिले भंडार को नई तकनीक के साथ देश को स्टील ग्रेड कोयला उपलब्ध करा सकेंगे। नई वासरी हमारा एक बुनियादी है और ये यहाँ का वरदान रहेगा रजरप्पा के लिए। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि कोयला का काफ़ी अच्छा भंडार हम लोगों ने खोजा है और इस कोयला को खपत हम लोग इसी नए वासरी में नई तकनीकी के बाद हम लोग करेंगे, जिसमें से हम लोगों को जो है काफ़ी पूरा देश को हम लोग जो है स्टील ग्रेड के कोयला और वासरी ग्रेड के कोयला को सप्लाई करने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। यही आज का उद्देश्य था। हम पर्यावरण स्वीकृति के लिए सरकार को आवेदन दिए थे और सरकार ने यह निर्णय लिया कि आज उसका ग्राम सभा कराया जाए और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और जो भी हमारे सामने ग्रामीणों ने अपना मुद्दा रखा है, हम निश्चित रूप से हम ग्रामीणों की उस समस्याओं का जो है विधिवत ढंग से हम सब समापन करने की कोशिश करेंगे। आज रजरप्पा कोलियरी क्षेत्र के अंतर्गत नए कोलवासरी 3 मिलियन मेट्रिक टन का कोलवासरी व्यवस्था के लिए जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित था और जितने भी विस्थापित ग्रामीण हैं वो सब आए हुए थे और सीसीएल प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक दरभंगा हाउस रांची हेडक्वार्टर से और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारीगण हम सभी उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है और ग्रामीणों का मुख्य रूप से अपने जो पेयजल की समस्या है, शिक्षा की समस्या, उनके लेबर कार्ड, लेबर होने का पहचान या रोजगार, इन सब को लेकर के अपनी बातों को रखे हैं। एक दो व्यक्ति ने बहुत पर्यावरण को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की कि हमारा पेड़ कट जाएगा तो कैसे इसकी व्यवस्था होगी। मौके पर चितरपुर वीडियो उदय कुमार, सीओ तृप्ति, विजय कुजूर सहित सीसीएल आशीष कुमार झा और अन्य अधिकारी और ग्रामीण लोग मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।